बीजेपी सरकार में अब उसके ही विधायक और सांसद अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। ताज़ा मामला फरुखाबाद का है, जहां बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने अपनी ही सरकार में अधिकारियों पर निशाना साध दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर मुख्यमंत्री से किसी अधिकारी की शिकायत की जाए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोषी अधिकारियों से ही मामले की जांच करा दी जा रही है। दरअसल बीजेपी सांसद ने कोरोना मरीजों को खराब खाने मिलने की शिकायत करते हुए शासन को पत्र लिखा था। सांसद का कहना है कि शासन ने जब जांच रिपोर्ट मांगी तो मुख्य विकास अधिकारी ने शिकायत को पूरी तरह से खारिज कर दिया और उनके कथन को भी असत्य बता दिया। सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि आरोपित अधिकारी को ही जांच दे दिए जाने से शिकायत का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। स्तर के जो अधिकारी हैं, जिनको वो डायरेक्शन देते हैं, वो अधिकारी नीचे भेज देते हैं, प्रमुख सचिव को भेज देता है, कमिश्नर को कमिश्नर भेज देता है, डीएम को डीएम भेज देगा, सीडीओ को, और जिनके खिलाफ लिखा वही मुख्यमंत्री ने लिख दिया कि इसमें जांच कराई जाए, और वहां कमिश्नर स्तर पर लिखा गया कमिश्नर स्तर जांच कराने नहीं, वो यहां के डीएम को लिख देंगे, डीएम लिख देगा सीडीओ को, या तहसीलदार की शिकायत हो तो तहसीलदार को लिख देगा, लेखपाल की शिकायत हो तो लेखपाल को लिख देगा, तहसीलदार के पास जाएगा और तहसीलदार लेखपाल को लिख देगा, और लेखपाल अपनी रिपोर्ट बना के भेज देगा और उसको तहसीलदार रिकमेंड करेगा, तहसीलदार को डीएम रिकमेंड कर देगा, ऊपर के लिए ऊपर कमिश्नर और कमिश्नर से रिपोर्ट चली जाती है। शिकायत का निस्तारण हो गया, ये सब शिकायत का निस्तारण करने का तरीका है। इसलिए इससे कहीं पर भी कम से कम आम आदमी की शिकायत को गंभीरता से ना लिया जाए, मैं नहीं कह सकता, आम आदमी की भी कोई शिकायत है उसका भी निस्तारण ईमानदारी से होना चाहिए, और जनप्रतिनिधि कोई शिकायत करता है तो उसको वाकई में गंभीरता से लेना चाहिए और क्विक एक्शन के साथ में उस पर कार्रवाई कीना करना चाहिए, नहीं तो लोगों के अंदर इस अधिकारियों के जो व्यवहार है उसके प्रति आम आदमी के सरकार के प्रति कोई नफरत नहीं है। लेकिन ये फरुखाबाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं उत्तर प्रदेश के लगभग 50% 60% जिलों की बात कर रहा हूं कि लोगों को अधिकारियों के प्रति लोगों को आक्रोश है कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे आम आदमी हो, उन्हें लोगों के अधिकारियों के प्रति नाराजगी। वहीं सांसद मुकेश राजपूत के आरोपों पर डीएम से सवाल किया गया तो डीएम ने कहा कि वो सांसद के आरोपों से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट सीएमओ ने दी थी उसी के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी ने आख्या लगाई है और रिपोर्ट तथ्यों के आधार पर भेजी गई है। जिसकी शिकायत होती है उससे जांच नहीं कराई जाती है, बल्कि उससे आख्या ली जाती है, उसका स्पष्टीकरण लिया जाता है और किसी न किसी अधिकारी दूसरे अधिकारी को जांच किया जाता है। तो ये मैं इस पर बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि दूसरी व्यक्ति को से जांच नहीं करवाई जाती। सर, एक शिकायत का भी उन्होंने जिक्र किया, कोविड की कोई जांच थी, तो उस जांच प्रक्रिया को अधिकारियों ने किस तरीके से डील किया और अपनी आज उसकी स्थिति क्या, किसके द्वारा कराई गई है? जिस जांच की बात आप कर रहे हैं, बहुत ही सरसरी तरह की शिकायत थी कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, खरीद फरोख्त में गड़बड़ी की गई है, और उस पर सीडीओ के विरुद्ध ये लिखा गया था कि उन्होंने भ्रष्टाचरण किया है। इसके संबंध में बताना चाहूँगा कि जनपद में यदि सीडीओ के विरुद्ध शिकायत की गई तो उसकी जांच एटीएम तो नहीं करेंगे या उनसे नीचे अधिकारी नहीं करेगा। इस पर मैंने सीडीओ के स्पष्टीकरण लिया था और मैंने अपनी आँखें भेजी थी और मैंने पाया था कि उसमें जो शिकायत है उसमें कोई तथ्य नहीं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी बीजेपी सांसद और विधायक ने अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर अब नाराज सांसदों और विधायकों का मुद्दा बनाकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।